तो गाइस आज का सेटअप आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि आज की जो वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है, मगर थोड़ी सी छोटी है तो इसलिए मैंने कहा यहीं पे सही है। तो आज जो हम बनाने वाले हैं, ये हमारे पास, आप लोग इस चीज़ को जानते हो, ये हमारे पास लाइटर और ये भी उसी की किस्म है जिसे कहते हैं लाइटर। ये दोनों हमारे पास लाइटर्स हैं और ये हमारे पास खत्म हो चुका है, मगर इनका एक मसला ये होता है कि जैसे ही हम इनको वो करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, थोड़ी देर बाद इनके अंदर जो गैस होती है वो खत्म हो जाती है, लिक्विड होता है खत्म हो जाता है, इसका खत्म हो जाता है और फिर ये दोबारा बेकार हो जाते हैं और ये नहीं चलते। मगर आज मैं आपके लिए ऐसी ट्रिक लाई हूँ, मगर ये जो ये हमारे पास इस तरह का लाइटर होता है, इसको तो आप रिफिल कर सकते हो, मगर क्या होगा जब ये भी खत्म हो जाए। मगर आज मैं आप लोग के लिए ये ट्रिक लाया हूँ कि कैसे आप लोग इसके अंदर अनलिमिटेड हवा भर सकते, अनलिमिटेड इसके अंदर गैस भर सकते हो, जिसकी मदद से ये आपके पास कभी भी ख़त्म नहीं होगी गैस। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, कभी भी ख़त्म नहीं होगी गैस, चाहे वो आपके पास एक छोटा वाला लाइटर हो, ये वाला लाइटर हो, या फिर आपके पास ये बड़ा वाला लाइटर हो, इनकी गैस कभी ख़त्म नहीं होने वाली। यही आपके लिए मैं ट्रिक लाऊंगा, चाहे आप इसके अंदर, चाहे हमारे पास फुल खाली भी, अब हमारे पास के थोड़ा सा लेवल रह गए, अब जैसे ही मैं अभी देख रहा हूँ इसके अंदर कम है, कभी कभी जल रहा है, कभी कभी नहीं जल रहा, तो मैं आपको इसकी ऐसी ट्रिक बताऊँगा कि ये हमारे पास कभी भी नहीं खत्म होगी इस गैस, और ये हमारे पास हमेशा जलेगा। तो गाइस वैसे जो नॉर्मली हमारे पास हीटर होते हैं उनको ये जलाने के लिए काम आता है, मगर आप लोग को पता है कि ये अब मैंने ये वाला हीटर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास बिजली वाला जो हीटर होता है वो डेंजरस होता है, तो मैंने खुद ये वाला गैस वाला चुने। तो गाइस अब हमारे पास ये चीज़ है ना कि हम इसकी मदद से हम गैस को जलाते हैं, यानी कि हीटर को जलाते हैं, जैसे कि मैं भी आपको जला के दिखाता हूँ, और इसकी अपनी गैस ख़त्म हो चुकी है। अब जैसे कि आपने देखा इसकी अपनी गैस ख़त्म हो चुकी है, हर बार नहीं जल रहा, जैसे कि ये देखिए, तो ये हमारे पास इसका है। तो अब जैसे हम इस हीटर को जलाएंगे, तो गाइस आप लोग को पता है कि घर के अंदर कोई ना कोई एक बर्निंग सोर्स तो होती है जिसमें से आग निकल रही हो, कोई हीट निकल रही हो, और आप उसको इस चीज़ से, लाइटर से जलाते हो। तो आज हमारे पास ट्रिक करना ये है कि आप लोग जैसे कि देखते हो, ये हमारे पास लाइटर है, ये हमारे पास लाइटर है, इस बटन से हमारे पास आग जलती है, मगर जब ये ख़त्म हो जाती है तब हमारे पास आग हो जाती है। तो जैसे आप देखते हो, ये हमारे पास इसको फुल एंड तक दबाना पड़ता है, तभी हमारे पास आग जाके जलती है। तो आपने करना ये जो आधा हमारे पास यहाँ तक आपने इसको दबाना, जैसे कि भी आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ तक दबा, इससे ज़्यादा आगे नहीं दबाना, फुल नहीं दबाना, आपने इसको सिर्फ यहाँ तक दबाना है, यहाँ तक दबा के इसको होल्ड करना है ऐसे करके, और फिर देखिए अभी तक अभी हमारे पास बंद है, मैंने इसको आधा दबाया हुआ है, हाफ दबाया हुआ है और आगे से होल्ड किया हुआ है, इसको छोड़ना नहीं है, छोड़ के किसी भी बर्निंग सोर्स के सिर्फ करीब ले जाएँ और फिर देखिएगा मैजिक। देखिए ये देखिएगा इस, ये अब हमारे पास आग जल गई, और गाइस ये अभी मैंने दबाया भी नहीं हुआ, और ये हमारे पास असल में जो इसकी अपनी गैस है वो यूज़ नहीं हो रही है, ये जो इसकी दूसरी मैंने आउटर सोर्स से ली है, उसी की मदद से ये आग जल रही है, और ये हमारे पास नहीं बुझेगी जब तक हम इसको खुद ना बुझा दें। और इसका फ़ायदा ये हुआ कि हमारे पास जो इसकी ओरिजिनल गैस है, जो इसके अंदर ओरिजिनल LPG होती है, वो ख़त्म नहीं होगी, वो आपके पास रहेगी रिजर्व में, और जो आपके पास पहले से थोड़ी सी बर्निंग सोर्स, उसको उसके लिए आपने ऐसे जलाने के हाफ दबा के आपने इसके करीब ले जाना है, थोड़ा सा करीब ले लिए, देखिए इससे दूर से ही फायर पकड़ ली, देखिए यहाँ तक, ये देखिए गैस, बस अभी हमारे पास जल चुका, अब मैंने फुल भी नहीं दबाया हुआ, और ये अब हमारे पास इसके अपनी भी गैस यूटिलाइज नहीं, और ये हमारे पास आराम से कभी भी इसकी गैस ख़त्म नहीं होगी, ये देखिए। तो इसका फ़ायदा ये हुआ, वैसे अगर आपको तीन बार जलाना पड़े, तीन सोर्स को जलाना पड़े, तो आपको सिर्फ एक बार यूज़ करना पड़ेगा इसकी गैस को, और बाकी आप वैसे इसकी मदद से जला सकते हो, जैसे कि अभी हमने इसमें से जलाया था, ये देखिए। और ये गैस बहुत ही ज़्यादा कमाल की तरीके, यही चीज़ आप इस लाइटर के साथ भी कर सकते हो जिसकी गैस ख़त्म हो चुकी है, मगर लाइटर के साथ इसलिए सेफ़ नहीं है क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट हवा गैस भरी होती है, और इसको इसके करीब नहीं जाना चाहिए, तो इसके करीब नहीं ले जाना चाहिए, जिसकी वजह से ये हमारे पास ख़राब हो जाता है और हो सकता है इसे ब्लास्ट भी हो जाए, तो इसीलिए मैं इसको करीब नहीं ले जा रहा। तो गाइस अब हमारे पास लाइटर से भी यही चीज़ होगी, अब ये देख पा रहे हो हमारे पास ये माचिस है, इसको मैंने हाफ फुल नहीं दबाया, अभी इसमें थोड़ी सी गैस है, फुल नहीं दबाऊँगा, हाफ दबाऊँगा, और गाइस ये देखिए गाइस, ये अब हमारे पास इसकी अपनी गैस नहीं यूज़ हो रही, ये हमने थोड़ी सी फायर सोर्स से ली है, अभी ये हमारे पास इसकी अपनी गैस नहीं यूज़ हो रही है, हमारे पास फायर सोर्स हमने माचिस से ली है, ये उसी की मदद से हमारे पास लाइटर जल रहा है, और इसकी गैस हमारे पास कभी ख़त्म नहीं होगी इस तरीके से, ये देखिए गाइस, इसी तरह देखिए गाइस, अभी आप लोग को आ गया होगा तरीका, इसको हाथ दबाना है और यहाँ तक ले जाएंगे, और ये देखिए गाइस, और ये फ्लेम इसकी मदद से कभी भी आपकी गैस ख़त्म नहीं होगी, जो इसके अंदर वाली लाइटर के अंदर वाली गैस होती है, ओरिजिनल गैस होती है, वो ख़त्म नहीं होगी, और आप इसकी मदद से वो कर सकते हो,
तो गाइस बस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्पफुल मालूम होगी। अगर थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो फिर आप इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर देना ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये वैसी छोटी मोटी वीडियो थी, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो बाकी के लिए आउटरो की वीडियो देख लो। Ha 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 ha!